हेलो एवरीवन, वेलकम फ्रॉम मुंबई। मुंबई से ब्लॉग शुरू कर रहे हैं हम लोग। और आज ही हम लोग दोपहर को कितने बजे है, 11:30 बजे? नहीं यार, 11:30 के करीब पहुंचे हम लोग, घर पहुंच गए थे हम लोग। मतलब सामान रखते थे, 11:45 बज गए और अभी हो रहे हैं एग्जैक्टली 2:00। तो 2:00 हम निकल चुके हैं। अब हम जा रहे हैं महाबलेश्वर न्यू ईयर्स के लिए। तो बस हम लोग वहाँ पे 2 दिन के लिए हैं महाबलेश्वर में, और मेरी फैमिली ऑलरेडी वहाँ पे पहुंची हुई है। हम उनको ज्वाइन करेंगे और हम लोग गांव से आ गए हैं। और यहाँ का वेदर इतना घटिया लग रहा है हमको, मैं क्या बोलूँ। मुझे गांव की ठंडी हवा, खुली खुली है ना, जैसे फ्रेश हवा, बहुत मिस कर रहे हैं हम लोग। बहुत याद आ रही है गांव की, बट क्या करें, अभी जीवन तो हमारा कर्म भूमि, जैसे उनकी कर्म भूमि गाँव है वैसे हमारी कर्म भूमि ये शहर है। तो कर्म भूमि जहाँ पर है वहां पर हम अपना नए साल के शुरुआत करेंगे। और हाँ, बोलो 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 बेटा, सुखी रहो, सुरक्षित रहे। और गाँव में तो यार, गाँव में मम्मी पापा निर्भर करते हैं, नहीं करते ना, जो उनका जो रूटीन रहता है, रूटीन नॉर्मल 7 बजे खाना वाना खा के 7 बजे सो जाना, उनका वही रहता है रूटीन। नए साल वो कुछ करते नहीं है, और इसलिए हम कभी वहाँ पर रुकते नहीं है नए साल को। जो वो हमको बोलते हैं कि तुम क्या करोगे नए साल में यहाँ पर, तुम जाओ अपना मजे करो, एंजॉय करो, हम लोग कुछ नहीं करते। हमारा तो हर साल हर दिन बराबर, एक दिन बराबर है। उनकी थोड़ी थिंकिंग अलग है, वो गांव के लोग है ना, तो थोड़े से उनका सिंपल है। दिवाली कुछ भी हो ना, डैड को तो कुछ फर्क पड़ता ही नहीं है। मतलब मेरे ससुर जो है ना, उनको उनके लिए हर एक दिन सेम है। क्या बोलते हो जो आप? यस मॉम, उनका मतलब वही है कि काम करो, अपना काम करो, जितना भी टाइम है वो काम करके निकालो। हाँ, और खुश रहो, वही उसी में सुख। खाओ पियो अच्छे से, खाओ पियो अच्छे, शुद्ध खाओ, शुद्ध खाओ। सामान लाए, गुड़ लाए, घी लाए, मावा लाए, वो सब सेट करके अच्छे से रख के आई हूँ मैं। नहीं, मावा मींस हाँ, और सरसों का तेल भी लेके आए। मतलब आप तो हमारे घर पे खुद की खेती का बनता है सरसों का तेल, और घी भी खुद की भैंस का ही निकलता है। मतलब सब कुछ जितना हो सके हम लेके आए सामान इस बार, और इसलिए हम लोग ट्रेन से आए ना, इस बार सामान लेके आ सके। अगर प्लेन से आते तो कुछ भी लेके नहीं आ सकते हम लोग, ज्यादा कुछ नहीं लेके आ सकते। और नो कोरा हमारी ट्रेन आज 3.5 घंटा लेट थी। हमारी ट्रेन पहुंचने वाली थी सुबह 7:40 को, बट वो पहुंची 11:06 को। तो और ट्रेन जो है अभी इस टाइम पे सर्दियों में, वहां से जो है नॉर्थ से जो आती है ट्रेन जाती है, कोहरे की वजह से सब स्लो स्लो चलती है। और कहां ट्रेन रुकी तो नहीं है सच, बट ट्रेन की स्पीड वॉज लेस ना जो, जिसके वजह से हम लोग का ट्रेन डिले हुआ 3.5 घंटा। अभी हम लोग सपोज भी हम लोग वहां पर होने चाहिए महाबलेश्वर में, पर अभी है नहीं। तो मैं अपने कपड़े हमने चेंज किए क्योंकि वहां ठंडी ज्यादा है नहीं, तो कपड़े शफल किए, ज्यादा मूड गर्म कपड़े ज्यादा रखे नहीं मैंने, अपने लिए वेस्टर्न कपड़े रखे बैक टू रूटीन वाले कपड़े। एंड बस चलो अभी हम लोग बहुत बड़बड़ कर ली मैंने, अब आपको मिलेंगे सीधा महाबलेश्वर में। थोड़ा सा सीन रस्ते का। हाँ जो अभी ओके, पीछे बच्चे, अच्छा बच्चे उठे हम सो के हो गए, हमारी नींद होगी एक। अभी हम लोग पहुंचे हैं, अच्छा वी आर ऑन पुणे एक्सप्रेस वे पहुंचने वाले हैं अभी, अब पहुंचेंगे पुणे एक्सप्रेस वे। तो गुड नाइट अजू, हम सो रहे हैं, आप कार चलाते रहो, सोना मत, ठीक है? एक्साइटेड टनल के लिए? एक्साइटेड 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 ये एंट्री कर लिया जो हमने, खत्म हो रहा है एक्सप्रेस वे, खत्म हो रहा है। और हाँ, पहाड़ी का पहाड़ी शुरू हो रहा है, लोनावला शुरू हो गया, लोनावला शुरू हो गया, लोनावला। ये मुंबई वालों के लिए मनाली की इक्विवेलेंट है ना जो, विदाउट द ट्रैफिक, विदाउट द ट्रैफिक, विदाउट द हाईवे एंड विदाउट द स्नोफॉल, विदाउट द स्नोफॉल। अरे फोर्ट जैसा बना है। हाँ, शाम हो गई है गाइस, अभी हो गए हैं 6:20 होने वाले हैं,
6:20 हो गए हैं और लाइट शुरू हो गई है और पहली बार हम लोग को ना रात को हम लोग ऐसा कुछ नया नया दिख रहा है विद लाइट्स ऑन है ना अज्जू, और आगे एक टनल है ओके आई थिंक अज्जू ये टनल क्रॉस करने के बाद आएगा वो श्री बड़े वाले। चलो हो गया है घना अंधेरा, छा गया है घना अंधेरा, अभी हमको है और 1.5 घंटा पहुंचने के लिए। बस पहली बार हम लोग इस तरह से जो आए हैं, मुझे तो काफी अच्छा लग रहा है हाईवे नहीं है जो हम लोग वही बोल रहे दिल्ली में अगर होते, अगर हम लोग गांव में होते अभी अगर तो पूरा कोहरा कोहरा होता, क्योंकि हम लोग पिछली बार आगरा गए थे इस टाइम पे, इसलिए हमने इस बार डिसाइड किया कि हम लोग कहाँ भी नहीं जाएंगे घूमने के लिए, हम गांव में ही रहेंगे बिकॉज हमको रिस्क नहीं लेना है। और हमारे मम्मी पापा ने भी बोल दिया कि नहीं भैया कहाँ जाना नहीं है कोहरे में, इट्स वेरी वेरी रिस्की एंड लिटरली एवरी रात को लेट नाइट एम्बुलेंस एवरी डे एम्बुलेंस की वहाँ से हमको आवाज आई थी सायरन की एम्बुलेंस की, क्योंकि वहाँ पर हाईवे पे एवरी डे कोई ना कोई किसकी ना किसी का एक्सीडेंट होकर डेथ हो रही थी, तो हमको मालूम पड़ा था लाइक यहाँ मुंबई में बिल्कुल कोहरा नहीं है बट यूपी साइड में बहुत कोहरा है ना जो बहुत कोहरा है। तो जो आप लोग अगर ट्रैवल कर रहे हैं ना तो प्लीज आप ट्रैवल मत करो रात को, आप होटल में रुक जाइए और जब कोहरा हटता है तो पैर को आप ट्रैवल करो। मैं तो बोलती हूँ कि प्लीज मत ट्रैवल करो, लाइफ बहुत प्रेशियस है, उसको आप प्लीज ऐसे कोहरे में मत वेस्ट करना। मुझे बहुत बुरा लगा सुन के ना जो कैसे एक्सीडेंट हो रहे हैं ऐसे कोहरे की वजह से, और हम लोग लिटरली लास्ट टाइम कोहरे में आए थे तो हमको पता है कि कोहरा कितना घना होता है। 30-35 किलोमीटर पर आवर पे ही जा रहे थे पूरा यमुना एक्सप्रेस, हम लोग 30 मैक्स 35 किलोमीटर पर आवर पे जा रहे थे। इन्होंने बहुत स्लो कार चलाई, बहुत स्लो, और यहाँ पर देखो कितने रंग बिरंगे ऐसे होटल्स, बस लगता है ना चाहिए लाइटिंग लगी हुई होटल्स में। अभी हम लोग आगे है बाई और यहाँ पर बहुत ही अच्छा सा बनाया है, हम आ गए हैं मेट्रो में। चलो 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 पापा कहाँ पर है अजी, आ गए हैं यहाँ पर स्ट्रॉबेरी, डिसाइड नहीं किया, वी कैन चूज व्हिच फ्लेवर यू वांट, व्हाट व्हिच फ्लेवर यू वांट, चॉकलेट। और आ गए इधर गरिमा जी, क्या हो गया क्या कह रहे हैं, ओह प्राइस आ रहा है, ये भी है, सी चीज ओवरलोडेड, चीज ओवरलोडेड, ये वेरी वांट टू सिट पापा बस दो बेटा उतरो, ये सैंडविच नहीं खाएगा ना मैप्रो में आओ और स्ट्रॉबेरी क्रीम आइसक्रीम नहीं खाओ, ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ये पंचकनी महाबलेश्वर का फेवरेट मोस्ट फेमस चीज़ है मैप्रो में, तो आप जब भी मैप्रो आते हैं तो बिल्कुल ट्राई करिए, इसमें ना क्रीम होता है, स्ट्रॉबेरी होता है, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम होती है एंड इट इज़ डिलिशियस, बहुत टेस्टी होता है। और यहाँ की जो स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम जो स्ट्रॉबेरी क्रीम है ना उसका जो टेस्ट फ्लेवर है वो बहुत ही अलग है, मुंबई में भी मिलता है बट उसका फ्लेवर बहुत अलग है और बच्चों को बहुत पसंद है और निष्ठा काफ़ी खुश है और इट्स वेरी ह्यूज क्वान्टिटी, तो आज हम सब खाने वाले हैं मिल के शेयर करके स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। How is it? मेरा चांद मुझे आया है नजर, आ गया है रात जरा थम थम के गुजर, मेरा चांद तो गुम हो गया जो घूमी घूमी मोए मोए हो गया, मोए मोए ऑ प्लस ऑ हो गया, ऑ प्लस ऑ मोए मोए आ जा। तो आ गए हम अपने रूम में, रूम सेट कर दिया है, मतलब रूम इज ऑलवेज ऑलरेडी रेडी, सबने खाना खा लिया, आते ही खाना खा लिया हमने, अब हम मैं जो है ना ये कपड़े यहाँ पर लगा दूंगी और हम कर रहे हैं सोने की तैयारी एंड रूम इज रियली 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 गुड एंड हमारा हमेशा हमारा रूम फिक्स है, ओए तो बेड में खराब कर समझा क्या, दिस इज नॉट सो कम्फी यार, अच्छा देन गो स्लीप डाउन। तो यहाँ पर हम सब लोग सेटल हो गए हैं और हमारे बेचारे घर के मुखिया, ये देखिए मुखिया जी
मुखिया जी, राम राम। राम राम। ब्लॉग को एंड कर रहे हैं हम लोग अपने अच्छा। पावन शब्दों से इस ब्लॉग को एंड करिए। आप बताइए आप नीचे क्यों सो रहे हो? हाँ? आप ऊपर क्यों नहीं आ रहे हो? इतनी तो जगह बची हुई है, देखो इतनी जगह बची है। हाँ। और फिर ये बात काफी बड़ा बेड है, चार लोग आराम से आ जाएंगे। क्या हुआ? मेरे को ये बेड अच्छा है, शांति में सोने को मिल रहा है। ना किसी का हाथ पैर लगेगा, ना कुछ जैसा सुनने को मिलेगा। पापा क्या बोल रहे हैं बेटा? पापा ऐसे ही रॉन्ग थिंग ना? नो नो। चलो ब्लॉग को एंड करो इसी बात पे। हमने आके खाना वाना खा लिया, थक गए, वॉक कर लिया और मौसम काफी अच्छा है, ठंडा मौसम। रात को ठंडी काफी हो गई ना जो? बहुत बढ़िया हो गया है। अभी देखते हैं आज कल का क्या है प्लान और उसी हिसाब से हम लोग देखेंगे कि कहाँ जाना है, क्या नहीं जाना है या वहीं रुकना है। तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट। आके खोलो। आके खुलने रही है। अच्छा, ग्लासेस को जो ऊपर रखना, ठीक है? तो गाइस ब्लॉग को यहाँ पर ही खत्म करते हैं, फिर से मिलेंगे विद न्यू डे, न्यू बिगनिंग। तब तक के लिए गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।